गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने क्या है, मोनोसैकेराइड डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे पास न्यू सब टॉपिक इसका, और वो हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स का, तो मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास क्या होती है, ओनली सिंगल यूनिट जो होती है वो देखने को मिलती है, किसकी, सैकेराइड्स की या हम शुगर की बोले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड्स है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या है, टू सैकेराइड्स यूनिट्स जो होती है हमें वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो दो सैकेराइड्स यूनिट्स जो होती है हमें देखने को मिल जाती है। इसी के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो पढ़ने वाले हैं आज। तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं, हमारा जो पहला हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है वो है माल्टोज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, माल्टोज की बात करें या हम डाइसैकेराइड्स की बात करें, तो माल्टोज हमारे पास क्या है, माल्टोज की अगर हम बात करें तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि डाइसैकेराइड्स है, तो इनके अंदर भी आपको क्या है, दो सैकेराइड यूनिट्स जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है मिल जाती है। तो इसके अंदर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, दो यूनिट जो होती हैं इसके अंदर मिल जाती है, और वो कौन कौन सी रहती हैं। तो अगर उसकी बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट इसके अंदर मिल जाता है आपको, एक हमें मिल जाती है ग्लूकोज यूनिट्स, और दूसरी जो है वो भी आपको क्या मिल जाती है, ग्लूकोज यूनिट्स। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि दो ग्लूकोज यूनिट्स जो होते हैं यहाँ पर मिलकर क्या करती है, माल्टोज को बनाती है। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग्स जो होती हैं वो देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, तो आपने देखा था स्टूडेंट, हमने दो टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े थे इनके, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़े थे और दूसरा हमने इसका स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, रिंग फॉर्म पढ़ा था। तो अगर यहाँ पर हम बात करें स्टूडेंट्स इन दोनों स्ट्रक्चर्स की, तो हम बात कर लेते हैं कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फाइव, कार्बन नंबर सिक्स। तो स्टूडेंट आपने देखा था कि ओपन चेन के अंदर हमारे पास क्या होती है, 1-5 जो हमारे पास कार्बन रहते हैं उनके बीच में क्या होती है, यहाँ पे अगर बॉन्डिंग कैरिंग की बात करें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में हमारे पास क्या होती है, रिंग्स फॉर्म हो रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास सेम ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, दो ग्लूकोज के हमारे पास क्या यहाँ पे यूनिट्स हैं, और ये ग्लूकोज यूनिट्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो बॉन्डिंग है वो देखने को मिलती है हमारे पास ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, 1,4-glycosidic bond जो होता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात करें, हम बात कर रहे हैं माल्टोज की और हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइसैकेराइड्स। तो माल्टोज के अंदर क्या है, दो सैकेराइड यूनिट्स होती हैं, जैसे कि डाइसैकेराइड्स में देखने को मिलती हैं। तो माल्टोज के अंदर दो सैकेराइड यूनिट्स की अगर बात करें, तो एक आपको मिल जाती है ग्लूकोज और दूसरी भी ग्लूकोज मिल जाती है, और दोनों ग्लूकोज के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों के बीच में 1,4-glycosidic bond जो होता है वो देखने को मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के इसकी, तो एक क्वेश्चन जो होता है इससे पूछा जाता है, क्या माल्टोज जो होती है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, हमने इससे पहले भी बात की थी कि रिड्यूसिंग शुगर की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूसिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट मिलते हैं देखने को आपको। जैसे अगर बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज पे कार्बन नंबर 1 पे आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है, जबकि कार्बन नंबर 4 जो है यहाँ पे, वहां पे आपको क्या होता है, OH ग्रुप मिल जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर बॉन्डिंग मिलने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कार्बन नंबर 1 है इसके पास जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो क्या करता है, ये लॉस हो जाता है जब वाटर का क्या होता है, रिमूवल होता है। तो वाटर के रिमूवल की वजह से क्या होता है, जो वाटर रिमूवल हो जाता है होता है यहाँ से, तो उसकी वजह से अगर देखें यहाँ पे, तो उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो क्या होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। जबकि अगर बात करें इसका, ये जो कार्बन है इस ग्लूकोज का, इसके पास तो क्या है, वो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसकी प्रेजेंस के होने वजह से या इंटैक्ट होने की वजह से ये शुगर जो होती है क्या कहलाती है,
रिड्यूसिंग टाइप की ही कहलाती है, क्योंकि ये इसके पास ग्रुप क्या होता है, स्टिल प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये दोनों ही ग्रुप क्या हो चुके होते, लॉस हो चुके हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग टाइप की शुगर। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से हो रही है और इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे हो रही है। तो इसके वन कार्बन नंबर 1 पे जो पोजिशन होती है वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, जो इस बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, लॉस हो जाता है। बट अगर हम बात करें इस ग्लूकोज की, तो इस ग्लूकोज से कार्बन नंबर 1 पे क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप अभी भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि ये जो शुगर होती है वो कैसी होती है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या है, याद रखना है कि जो माल्टोज होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम माल्टोज के स्ट्रक्चर को देखें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको एक चीज और, कि यहाँ पर हमारे पास जो क्या होता है, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला, C6H12O6, और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, C6H12O6। लेकिन जब बॉन्डिंग होती है इन दोनों की, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर जो होता है यहाँ से निकल जाता है। तो इसके बाद जो माल्टोज की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है क्या, देखो 6+6 हमारे पास क्या होते हैं, 12 H12, यहाँ पर भी H12, टोटल कितने हो गए 24। लेकिन यहां से H2 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हमारे पास कितने बचे, कितने हो गए, 24, और 24 में से 2 गए तो 22, और O हमारे पास किस है, यहां पर भी 6 है, तो कितने हो गए, 12 हो गए, 12 में से 1 हमारे पास यहां निकल गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 11। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या मिल जाता है आपको, माल्टोज का फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या था, माल्टोज का स्ट्रक्चर। माल्टोज क्या होती है, डाइसैकेराइड्स रहती हैं, और डाइसैकेराइड्स में आपको याद रखना है दो चीजें, एक तो क्या होती है इसके अंदर यूनिट कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पर 2 ग्लूकोज यूनिट्स इन्वॉल्व होती है, दूसरी क्या कहलाती है, ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। ठीक है, और तीसरा आपको जो बोन होता है वो कौन सा बनता है, वो भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या था, पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स वो आ जाता है, सेकेंड एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सुक्रोज की। अब सुक्रोज जो है स्टूडेंट्स, ये भी आपने नाम सुना होगा, और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स केन शुगर। ठीक है, और जैसे कि सुक्रोज की हम बात कर रहे हैं, तो सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड्स है, तो इसके अंदर भी क्या होती है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 सैकेराइड यूनिट्स। और ये जो सैकेराइड यूनिट्स होती हैं, अब इनके अंदर बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से यूनिट जो होती है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक यूनिट इन्वॉल्व होती है, कौन सी, ग्लूकोज, और जो दूसरी यूनिट है हमारे पास वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, कौन सी, फ्रक्टोज। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको ये चीज याद रखने वाली बात है कि जैसे कि माल्टोज में क्या था, 2 शुगर यूनिट्स कौन कौन सी थी, ग्लूकोज ग्लूकोज, यहां पर कौन सी होती है, ग्लूकोज, और दूसरी कौन सी होती है, फ्रक्टोज। अब यहां पर एक चीज और याद रखनी है आपको, कौन सी बॉन्ड कौन सा होता है, तो बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो स्टूडेंट, हमने बनाया था इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया था, और दूसरा रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पर आपको जो होती है वो फिरनोज रिंग्स मिलती है, और फिरनोज रिंग्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, 4 carbon + 1 oxygen ring मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन नंबर है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, 5 पे चला गया 6, और सेकंड पे आ गया फर्स्ट का। अब यहां पर हमने स्टूडेंट्स यहां पर देखे हैं, तो यहां पर हमारे पास जो बॉन्डिंग मिलती है वहां पे आपको दिख रही होगी, यहां पे जनरली हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो किसके पे मिलती है आपको, कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज। और ये जो लिंकेज है, ये जो बॉन्डिंग है हमारे पास क्या कहलाती है, 1-2 glycosidic बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास ये जो होता है यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस मिल जाता है देखने को। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन जो पूछ लिया जाए, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, माल्टोज एंड सुक्रोज के बीच में। तो आपको एक दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज आपके पास क्या है, 2 सैकेराइड यूनिट्स में एक तो इसके पास क्या है, ग्लूकोज है, दूसरी इसके पास क्या है, फ्रक्टोज, जबकि माल्टोज में क्या थी, दोनों के दोनों ग्लूकोज थी।
दूसरी चीज देखने मिलती है यहाँ पर जो बॉन्डिंग मिलती है वहां पे, यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर, यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर क्या थे, ग्लूकोज थे, दैट मीन ग्लूकोज है। तो दैट मीन आपको पता है स्टूडेंट्स कि 5 कार्बन + 1 ऑक्सीजन रिंग क्या कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरनोज रिंग्स। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास क्या है, पायरनोज रिंग मिलती है, और दूसरी हमारे पास होती है 4 कार्बन + 1 ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड फ्यूरनोज रिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दो रिंग्स जो होती है देखने को मिलती है। जबकि अगर हम बात करें माल्टोज की, तो दोनों में पायरोज रिंग्स जो होती है वो दोनों आपस में क्या करती है, बॉन्डिंग करती है। जबकि यहाँ पे क्या है, पायरोनोज रिंग्स इन्वॉल्व होती है, दूसरी फ्यूरनोज रिंग्स इन्वॉल्व होती है। तीसरी चीज अगर बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पर देखने को बॉन्ड की बात करते हैं, तो वहां पर दोनों ग्लूकोज के यूनिट्स के बीच में आपको क्या है, दोनों में आपको क्या मिल रहा था, 1,4-glycosidic बॉन्ड मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 1,2-glycosidic बॉन्ड मिल रहा है। और एक और चीज आपको, हम बात कर रहे थे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग टाइप की, तो स्टूडेंट्स इसकी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग मिलती है, नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप, जो इस बॉन्डिंग की वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया। और जबकि अगर बात करें फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के सब टर्मिनल दैट मीन सेकंड कार्बन एटम के ऊपर आपको मिलता है कीटो ग्रुप, तो यहाँ पर इसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, कीटो ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, दोनों ही हमारे पास जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ से क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे पास ये शुगर जो होती है क्या कहलाती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रखना है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी शुगर कहलाती है, ये केन शुगर जो होती है, शुगर केन में जो मिलती है, 2 सैकराइड यूनिट्स होती है इसके अंदर, एक ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, बॉन्ड जो होता है 1,2-glycosidic, एक पायरनोज रिंग, एक फ्यूरनोज रिंग इन्वॉल्व होती है, और शुगर किस टाइप की मिलती है आपको, नॉन रिड्यूसिंग टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की, तो तीसरा एग्जाम्पल जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो हमारे पास, जो हमारे पास हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, वो हम करते हैं स्टूडेंट्स कौन सा, लैक्टोज। तीसरा हमारे पास हो गया लैक्टोज, तो लैक्टोज का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सिमिलर टाइप का होता है, इसके अंदर भी आपको क्या है, 2 सैकराइड यूनिट्स जो होती हैं वो यहां पर आपको मिल जाती हैं, और ये 2 सैकराइड यूनिट्स जो होती हैं इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो मिल जाता है इसके अंदर क्या, ग्लूकोज मिल जाता है, और दूसरा अगर हम यहां पे बात करें तो दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट मिल जाता है आपको गैलेक्टोज। तो स्टूडेंट आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत ना हो इसलिए सिंपल सा है, देखो यहाँ पे गैलेक्टोज, ठीक है, मिलकर और बस कर रहा है, लैक्टोज बना रहा है, तो इससे थोड़ा सा क्या होता है, याद रखने में थोड़ा इजी रहता है। और आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच में एक तो हमारे पास 2 शुगर यूनिट्स कौन सी होती है, ग्लूकोज है, दूसरा हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज है। और अगर इसके अंदर हम बात करें बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग इसके अंदर भी स्टूडेंट मिल जाती है आपको सिमिलर टाइप की, दैट इज कॉल्ड 1,4-glycosidic टाइप की। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इनकी बॉन्डिंग कहलाती है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं हमारे पास क्या है, ट्राइसैकेराइड्स की। तो ट्राइसैकेराइड्स की अगर बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल जो है वो याद कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आपको जो ज्यादा है एग्जांपल हमें स्टडी नहीं करने। अब ट्राइसैकेराइड्स होती है फिर टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड्स, इस टाइप के देखकर सैकेराइड्स यूनिट्स देखने को मिलती है। लेकिन आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास क्या है, 3 to 7 सैकराइड यूनिट्स आपको मिल जाती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकराइड्स। ठीक है, और ऑलिगोसैकराइड्स के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं ट्राइसैकराइड्स के अंदर, वो हम पढ़ लेते हैं कौन सा, रेफिनोज करके। ठीक है, हमारे पास कौन सा हो गया, रेफिनोज। अब रेफिनोज जो है क्या, एक टाइप के ट्राइसैकेराइड्स है, और ट्राइसैकेराइड्स की अंदर हम बात करें स्टूडेंट, तो आपको मिल जाता है क्या, 3 यूनिट मिल जाती है इसके अंदर। तो 3 यूनिट के अंदर अगर बात करें हमारे पास, तो पहली यूनिट हमारे पास क्या हो गई, ग्लूकोज, दूसरी यूनिट हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, फ्रक्टोज, और तीसरी यूनिट अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं गैलेक्टोज। ठीक है, तो तीनों ये यूनिट्स जो होती हैं मिलकर क्या बनाती हैं, ट्राइसैकेराइड्स बनाती हैं। और ट्राइसैकेराइड्स की अगर बात करें तो हमारे पास एग्जांपल कौन सा हो गया, रेफिनोज का। और रेफिनोज के बाद अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जनरली आपको ये शुगर जो होती है कहाँ देखने को मिलती है, तो ये मिल जाती है स्टूडेंट आपको, जनरली मिल जाती है आपको कैबेज एंड दी अदर वेजिटेबल्स में, प्लस अगर हम बात करें तो कॉफी में, प्लस अगर हम बात करें तो शुगर बीट में। ठीक है, और कुछ वेजिटेबल जो होती है स्टूडेंट, इनके अंदर भी क्या होती है आपको, रेफिनोज शुगर जो होती है मिल जाती है। ठीक है,
तो ये होती है हमारे पास क्या कहलाती है ट्राइसेक्रेट्स बोल लो, या इसको हम क्या करते हैं ओलिगोसेक्रेट्स के अंदर एग्जांपल्स के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आते हैं डाइसेक्रेट्स एंड ओलिगोसेक्रेट्स। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।